हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे अर्बन गार्डनिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलोवेरा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि एलोवेरा का प्लांट एक साधारण प्लांट नहीं है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत पाई जाती हैं। इसका चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा महत्व है, खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में। एलोवेरा में जो है, इसे सौंदर्य प्रसाधन ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। इससे जो है फेस वॉश, क्रीम, सॉप, शैम्पू, बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। और इसका जूस जो होता है वो पेट के इलाज में ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको बहुत लोग खेती भी करने लगे हैं। अब ये बिजनेस के रूप में भी प्रचलन में आ गया है। एलोवेरा की खेती जो है करने का ये सबसे उपयुक्त तो मौसम है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। ये प्लांट जो है, ये इसमें देखिए, एक प्लांट में नए नए ये सकर्स निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट। इन्हीं को निकाल के अलग लगाया जाता है। वैसे इसमें ना तो फ्लावर्स होते हैं, बट इसमें सीड का कोई नहीं, इसकी पत्तियां ही सीड होती हैं, या ये बेबी सकर्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये काम करते हैं पौधा लगाने के लिए। तो ये अगर आप एक में लगा दीजिए तो इसके बेबी प्लांट निकल के ये पूरा गमला भर जाता है। ये देखिए मेरा, ये देखिए, ये एक डिब्बा, छोटा सा डिब्बा है, और इसमें देखिए पूरा भरा हुआ है। और ये मेरा कोकोडेमा में था, ये देखिए। तो ये इतना बड़ा हो गया, इसको मैंने लटकाया था, लेकिन इतना इसका वेट हो गया, जैसा आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा हो गया कि ये जो है, इसको मैंने जो धागा बांध के लटकाया था वो टूट गया। ये देखिए टूट गया, तो मैंने इसको निकाल के यहाँ रख दिया है। फ्रेंड्स, कोकोडेमा बनाते समय जब मैंने एलोवेरा लगाया था, इसका वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। अब इसमें मैं दूसरा कोई ये बेबी प्लांट जो निकला है इसके रहने दूंगी, और इसको काट के मैं निकाल दूंगी। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया, ये कोकोडेमा में केवल। इसको किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन वैसे अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो बेलड्रेंड मिट्टी, और वैसे ही बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी रोपाई लोग करते हैं, या हम प्लांट को लगा सकते हैं। वैसे तो हम पॉट में हर मौसम में इसको लगाते हैं, तो इसको जो है मिड सीजन ज़्यादा पसंद होता है, न ज़्यादा सर्दी और न ज़्यादा धूप। ज़्यादा धूप होती है तो इसकी ये देखिए टिप्स जल जाती हैं, ये देखिए। और बहुत सर्दी होती है तो भी इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, ज़्यादा ठंड से भी। इसलिए इसको मध्य सीजन का जो है क्लाइमेट ज़्यादा सूट करता है। और पानी तो इसको बिल्कुल हफ्ते में, अगर पॉट में लगा है, हफ्ते 10 दिन में एक दिन इसकी पत्तियों में जो पल्प होता है उसमें 75% पानी होता है, इसलिए इनको पानी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इसके पल्प को भी बहुत तरह से लोग फेस में ऐसे डायरेक्ट भी लगाने से बहुत फायदा होता है, फेस में चमक आती है, ग्लो आता है, और इसका जूस बनता है। इसका लोग कहते हैं अचार भी बनता है, लेकिन अभी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, कहते सुना है। इसलिए एलोवेरा प्लांट बहुत ही यूज़फुल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर एक प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसको आप अपनी गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इस तरह से अगर बेबी प्लांट्स हो गए हों तो उनको अलग कर लें। इधर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं गार्डनिंग का कोई खास काम नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय।